So welcome everyone, welcome to Affinity Digital. Today we will be discussing the questions of IAT full length test number 4. Okay, the zoology portion that we will discuss. So let us start with the first question. Question number 151. Select the option showing the correct match of characteristic with an example of synovial joint in human. तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि synovial joint किसे कहा जाता है? दो बोन्स के बीच, दो बोन्स के एंडिंग के बीच एक कैविटी बनता है विच विल एक्ट एज अ कुशन और इसके अंदर रहता है सिनोवियल फ्लूइड दैट एक्ट एज अ बोन वेस्ली, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ताकि कोई कैल्शियम लॉस या फिर फाइबर लॉस ना हो. तो हम लोग देखते हैं पहला यहाँ पे दिया गया है सिनोवियल जॉइंट. तो बच्चों स्काल बोन तो नहीं होगा क्योंकि स्काल बोन जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड है, उसे इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है. एंड वेयर एज सिनोवियल जॉइंट जो है वो मूवेबल होता है. सेकेंडली स्काल बोन फाइबर से बना रहता है, फाइबर्स रहते हैं उसमें, वी कॉल दैट एज अ फाइबरस जॉइंट. सिनोवियल जॉइंट में कार्टिलेज के साथ साथ सिनोवियल सैक रहता है, सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. नेक्स्ट इज सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, ओके वेरी मच करेक्ट. जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, येस एटलास एंड एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवोट जॉइंट विच इज अ पार्ट ऑफ द सिनोवियल जॉइंट. एंड देन इज द लिम्फ फील्ड बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट तो है सिनोवियल जॉइंट बट उसमें सिनोवियल फ्लूइड रहता है ना कि लिम्फ रहता है. फ्लूइड कार्टिलेज, ऐसा कोई एक कार्टिलेज नहीं है विच इज़ मेड ऑफ फ्लूइड बिटवीन टू बोन्स दैट इज़ द नी जॉइंट. ऑल्दो नी जॉइंट जो है वो भी एग्जाम्पल है सिनोवियल जॉइंट का बट ये फ्लूइड कार्टिलेज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन इन मायोफाइब्रिल is or are incorrect. Molecular arrangement of kya diya hai actin or in myofibril is or are incorrect. Okay, let us see. Each actin filament is made of two filamentous actin helically wound to each other. Correct. Each F actin is a polymer of monomeric globular actin. Is a polymer of monomeric globular actin. This is also correct. The two filament of the tropomyosin also closely run to the F actin through its length. That is also correct. A complex protein, the troponin, is distributed at regular interval on the tropomyosin. That is also very much correct. सो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कि इनकरेक्ट है, दैट इज नन ऑफ दिस. तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों, इफ वी सी द स्ट्रक्चर, दिस आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक के साथ एक आपस में जुड़ के क्या बन जाता है, पॉलीमर बनता है, एक चेन ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. तो दैट इज एफ एक्टिन. और कितना एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन है, राइट. सो दिस आर द टू एफ एक्टिन विच आर हेलिकली वोंड अराउंड ईच अदर. उसके साथ साथ कौन आपस में और दो, ब्लू कलर लेते हैं, और दो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन रन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ, वी कॉल दैट एज अ ट्रोपोमायोसिन, टू फिलामेंटस स्ट्रक्चर. और इस ट्रोपोमायोसिन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एट रेगुलर इंटरवल, थ्री सब यूनिट of another complex protein, we call that as a troponin. Is it clear? So let us move to the next question. Question number 153, muscle contributes. So this is a direct question from NCERT, and according to this, that is 40-50% of the body weight hum logo ka muscle ka hota hai, theek hai. It is contributed by the muscles, muscular tissue of our body. So according to this, first question, first option is the correct one. In micturition, ureter contract होता है, ureter जो है kidney के साथ जुड़ा रहता है, तो यहाँ से urine carry होता है. जबकि
म्यूटेशन में जो इन्वॉल्व होता है, एक होता है कंट्रक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का. यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल होता है, वी कॉल दैट मसल एज डेट्रूसोर मसल. ठीक है, द डेट्रूशन वर्ड का मतलब होता है पुशिंग ऑफ द यूरिन. तो यूरिन जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, उसका मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है. एट द सेम टाइम जो यूरेथ्रा होता है, उनका जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, इट अंडरगोज रिलैक्सेशन. ओके, इट अंडरगोज रिलैक्सेशन सो दैट द यूरिन ड्रिप्स आउट. सो नाउ क्या होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यूरेथ्रल स्फिंक्टर मेंशन नहीं किया गया है, डायरेक्टली यूरेथ्रा दिया गया है. सो वो यूरेथ्रा कंट्रैक्ट नहीं होगा, यूरेथ्रा कंट्रैक्ट नहीं होता है. यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है रिलैक्स. सो क्वेश्चन नंबर 154, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करता है, decreases blood pressure or increases blood pressure by causing the arterioles to constrict. तो arterioles constrict करेगा तो definitely क्या होगा, blood pressure increase होगा. वैसे भी हम लोग जानते हैं कि रेनी that is angiotensin 2 is a part of RAS mechanism, right? And RAS मतलब renin, angiotensin, aldosterone system. और ये कब होता है, कौन से कंडीशन में होता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. ऐसे ही नहीं ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, ब्लड प्रेशर जब हमारे बॉडी में लो हो जाता है तब ये सिस्टम मतलब ऑपरेट होने लगता है और उस दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. तो एंजियोटेंसिन हमारी बॉडी के लिए रिलीफ प्रोवाइड करता है बाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. Which of the following statement is or are false regarding the collecting duct? तो ठीक है, चलो हर एक statement NCERT से दिया गया है तो देखते हैं क्या क्या है. Collecting duct is a straight duct, correct. It extends from the cortex part. This is the cortex, this is the medulla. तो ये straight duct है, extending from cortex to medulla. It large amount of water could be reabsorbed from it to provide कंसेंट्रेटेड यूरिन. यस बच्चों, जब यूरिन मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब इसके थ्रू पास करता है तो वहां से क्या होता है, इस जगह से फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा अमाउंट का वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस से हमारे बॉडी में. ओके, इससे क्या होगा, यूरिन जो है वो काफी कंसेंट्रेट हो जाएगा. हमारे बॉडी में यूरिन कितना टाइम कंसंट्रेट होता है, देन द इनिशियल फिल्ट्रेट इट इज 4 times कंसंट्रेटेड. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. नेक्स्ट वन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूजेस आउट इनटू इट द इनटू सॉरी डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम इट इनटू द मेडुला टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी. सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट प्लेज अ रोल टू मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय वट, selective secretion of 2 ions. One is hydrogen ion, another one is the potassium ion. अगर तुम लोग देखते हो, ऑब्जर्व करते हो PCT और DCT में, और एक एडिशनल एलिमेंट है दैट इज द अमोनिया. यहाँ पे अमोनिया इन्वॉल्व नहीं किया गया है. ठीक है, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि फॉल्स है, एंड दैट इज द नन ऑफ दिस इज द आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, angina is the characteristic, it is angina is characterized by angina. Angina ka full form hota hai angina pectoris. Aur bachcho angina pectoris kya hota hai, it is a chest pain. Angina pectoris is characterized by chest pain. Kis wajah se hota hai, जब हमारे बॉडी को इस्कीमिया के थ्रू गुजरना पड़ता है. इस्कीमिया का मतलब, डोंट प्रोनाउंस इट एज इस्केमिया, इट इज इस्कीमिया. इस्कीमिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन काफी कम अमाउंट में सप्लाई हो रहा है बॉडी में. ठीक है, इससे क्या होता है, एक्यूट एक चेस्ट पेन होता है. सो जो ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं होता है,
क्योंकि क्रॉनिक होता है लॉन्ग टाइम के लिए, जबकि एक्यूट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. तो इट इज द एक्यूट चेस्ट पेन. सो इम्पॉर्टेंट इज इट इज एन एक्यूट चेस्ट पेन appears when no oxygen, no enough oxygen is reaching to the heart muscle. Okay, it is reaching to the heart muscle, and the heart muscle is the myocardium. और myocardium की वजह से जो chest का muscle है, the pectoralis muscle, वो भी suffer करता है. इससे acute chest pain होता है. So the first option is our correct one. इसीलिए इसका नाम है, पूरा नाम होता है angina pectoris. Moving to the next question, the cardiac cycle includes all of the following events except. Okay, so let us see cardiac cycle mein kya kya cheeze involve hai aur kya kya nahi hai. The closing and opening of the heart valves during each heartbeat. Yes, heart cardiac cycle mein hum log yahi to padhte hain ki kab jo hai jo valve hai, that is bicuspid, tricuspid valve, semilunar valve open ho raha hai, close ho raha hai. जब वो क्लोज होता है आवाज़ होती है, क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व दैट इज़ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, वो साउंड प्रोवाइड करता है, दैट इज़ लब फर्स्ट साउंड. और जो सेकंड सेमी लूनर वाल्व है उसके क्लोजर से सेकंड साउंड होता है, दैट इज़ द डब. सो क्लोजर इज इन्वॉल्व्ड, क्लोजर ऑफ द वाल्व्स इज इन्वॉल्व्ड इन द कार्डियक साइकिल. द मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स from the SA node to all region of the heart wall, that is also a part of the cardiac cycle. क्योंकि हर एक cycle में हर एक बार impulse generate किया जाता है SA node से, जो कि receive होता है by AV node और पूरे ventricle में spread होता है through the AV bundle and the Purkinje fiber. The number of the times of the heartbeat in 1 minute. बच्चों 1 minute जब हो जाता है, 1 minute जो है it is the number of the heartbeat in 1 minute they are saying. मतलब number of the cardiac cycle that is occurring in a minute they are saying. They are not saying about a single cardiac cycle. So this is not appropriate for the question. So हम लोग मेरे मुताबिक यही होगा correct option. फिर भी next वाला देख लेते हैं. That is the change in the blood volume in all the chambers of the heart. तो इन दोनों के बीच confusion हो जाएगा बच्चों को. बच्चों ये ध्यान रखना कि जब atria से blood चला जाता है ventricle में, तो atria का blood pressure कम हो जाता है, right? और ventricle का blood pressure high हो जाता है. इसी वजह से तो close हो जाता है, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो वापस से अटेम्प्ट लेता है जाने के लिए एट्रिया में, तो इसी वजह से ना वाल्व क्लोज हो जाता है. तो इसको तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो विच इज नॉट अप्रोप्रिएट इज एक मिनट वाला कैलकुलेशन, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. सीरम क्या होता है? प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दे तब हमें जो मिलेगा वो होगा द क्लियर प्लाज्मा. सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यही तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है. सो दिस इज आवर करेक्ट वन. बाकी जो है ब्लड विदाउट ब्लड सेल नहीं होगा, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होगा, ब्लड विदाउट आरबीसी दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. Low pressure of oxygen in blood alone causes, low pressure of oxygen in blood alone causes no change in the breathing rate, an increase in the breathing rate, a decrease in the breathing rate or fluctuating rate. तो हम लोगों को क्या लगेगा, अगर body में blood oxygen का pressure कम है तो हमारा breathing rate जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, right? ये वाला दो number वाला होगा. Second one, our breathing rate will increase. But थोड़ा याद करो, जो हम लोगों के बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं ना, कैमो रिसेप्टर, वन इज कैमो सेंसिटिव एरिया दैट इज लोकेटेड नियर द रेस्पिरेटरी रिदम एरिया, राइट. कैमो सेंसिटिव एरिया वो क्या डिटेक्ट कर सकता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट कर सकता है एंड हाइड्रोजन आयन. दूसरा है द कैमो रिसेप्टर दैट इज लोकेटेड इन एसोसिएशन विद द हार्ट एंड ब्रेन. कैमो रिसेप्टर
वो भी क्या डिटेक्ट कर सकता है? इन दोनों को ही डिटेक्ट कर सकता है। और साफ साफ लिखा गया है जे के ऑक्सीजन जो है वो प्लेज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट रोल इन द रेस्पिरेटरी मेंटेनेंस, इन द रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। तो कोई ऐसा चेंज खास नहीं होगा अगर ऑक्सीजन में कम होता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाए तब जाके ये सारे चेंजेस आने लगेंगे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 160 यहाँ पे दिया गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज आवर करेक्ट वन। इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ओके बच्चों, लंग्स में जो प्रेशर होता है इट इज सिमिलर टू द एटमोस्फेयरिक प्रेशर, 760 mm Hg। यहाँ पे भी कितना? 760 mm Hg। इसे कहेंगे हम लोग इंट्राप्लूरल प्रेशर, इसे कहेंगे हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब लंग्स जो है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इससे इसे बैलेंस करने के लिए बाहर से एयर अंदर आता है। तो इंस्पिरेशन कब हो रहा है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सो हायर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, लोअर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, जीरो कंपेयर टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर? नो, द सेकंड वन इज द करेक्ट वन। सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर, एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल कंट्रोल, करेक्ट, अंडर हार्मोनल कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नाइदर हार्मोनल नॉर न्यूरल, इट इज इनकरेक्ट, बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल करेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन। विच ऑफ द आंसर बिलो वुड नॉट वर्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, लेट अस सी। इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूज डैश, इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन बाई हाइड्रोलाइसिस इनटू, कहा गया है विच विल नॉट वर्क। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड, इफ वी वॉन्ट टू यूज पॉलीसेकेराइड वी हैव टू ब्रेक डाउन देम इंटू मोनोसेकेराइड। ये जा रहा है इसके साथ, अप्रोप्रिएट बेटर है। इफ वी वॉन्ट टू यूज एमाइनो एसिड इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन बाई हाइड्रोलाइसिस इंटू प्रोटीन। ये तो उल्टा होना चाहिए था, इफ वी वॉन्ट टू यूज प्रोटीन we have to break down it into amino acid, so this is not going with it. However, let us see, if we want to use fats then it should be broken down into glycerol and fatty acid, if we want to use disaccharide it should be broken down into monosaccharide. So our correct option is the second one. Now is pick the correct statement. Let us see. सेरोसा, सेरोसा मतलब किसके बारे में कहा गया है? जो एलिमेंट्री कैनल का ट्रांसवर्स सेक्शन है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम सेरोसा कहते हैं, विच इज़ अ मेसोथेलियम। तो सेरोसा इज अ इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट तो होगा नहीं, सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, करेक्ट, एंड इज मेड ऑफ थिन मेसोथेलियम, करेक्ट। सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व एंड लिम वेसल, इतना तक तो करेक्ट था, लेकिन ये हो जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा, नहीं बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द म्यूकोसा। सो विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कितना रिकॉग्नाइज किया था? इट इज द सिक्स टाइप्स ऑफ एंजाइम। व्हाट आर द क्लासेस? द क्लासेस आर ऑक्सीडो रिडक्टेज, देन इज ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, then is lyase, isomerase, last is the ligase. ठीक है, so these are the six classes of IUP. Sorry, yeah. Moving to the next question, which of the following statement is true? ठीक है, देख लेते हैं।
लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम. यस बच्चों, लो टेम्परेचर से एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता है. तो ये वाला करेक्ट है. लो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस अबव, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर. अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होने के बाद वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, डीनेच्योर हो जाता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. एंजाइम गेट्स डीनेच्योर्ड एट हाई टेम्परेचर. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. कंपिटिटिव इनहिबिटर कम्पीट्स विद द प्रोडक्ट. कंपिटिटिव इनहिबिटर्स डजंट कम्पीट विद दिस प्रोडक्ट. रादर कोई ऐसा एक केमिकल जो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करता हो वो होता है कंपिटिटिव इनहिबिटर, ना कि प्रोडक्ट होता है. सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट वन. तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? द लो टेम्परेचर एंड द ऑप्शन सी. ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. सो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. ओके, अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड. अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिज दे फॉर्म, नंबर ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर साइड चेन. यस ऑफ कोर्स, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइड चेन, बिकॉज वी नो दिस अल्फा कार्बन इज एसोसिएटेड विद व्हाट, दैट इज द एमाइन ग्रुप. सॉरी, दैट इज द एमाइन ग्रुप, देन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, द हाइड्रोजन वाला ग्रुप एंड द ग्रुप आर. राइट, द साइड चेन आर यहाँ पे लिखते हैं. दरअसल हम लोग, दिस इज द आर, दिस इज द एच. ये आर जैसा जैसा चेंज होता जाएगा, अमाइनो एसिड का नाम भी वैसा वैसा चेंज होता जाएगा. राइट, सो द फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन. इन एनिमल वर्ल्ड द मोस्ट अबांडेंट प्रोटीन इज, इन एनिमल वर्ल्ड ऑफकोर्स द कोलाजन इज द मोस्ट अबांडेंट प्रोटीन. वाइल इन द होल बायोस्फीयर द मोस्ट अबांडेंट प्रोटीन इज रूबिस्को. सो इट विल बी कोलाजन एंड रूबिस्को. द सेकेंड ऑप्शन गोज विद इट. मोजाइक विजन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. मोजाइक विजन क्या देता है? ज़्यादा सेंसिटिविटी देता है लेकिन फोकस इतना अच्छा नहीं देता है. लेस रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है. सो इट गिव्स मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन. मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, पहला वाला है करेक्ट. मोर सेंसिटिविटी, मोर रिजोल्यूशन. लेस सेंसिटिविटी नहीं, लेस नहीं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्क्रेनेबल ट्रेंड. ये तुम लोगों को लगेगा कि मैम यहाँ ये कहाँ से दे दिया. तुम लोग देखना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, जब हम लोग टिश्यू से शिफ्ट कर जाते हैं इन द ऑर्गेनिज्म पार्ट, उसके बीच एक पार्ट दिया हुआ है जहाँ पे कहा गया है कि टिश्यू जो है वो ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं. तो उसमें लिखा हुआ है देखना कि जो डिस्क्रिनेबल ट्रेंड होता है वो इंक्लूड करता है कम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेन ऑर्गेन्स. ठीक है, और ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है. पेलियोन्टोलॉजिकल ट्रेंड तुम लोगों को लगेगा ये तो मैम ने इवोल्यूशन से दिया है. पेलियोन्टोलॉजिकल ट्रेंड ये हो गया फॉसिल का. इवोल्यूशनरी ट्रेंड इज अवर करेक्ट ऑप्शन. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी कि डिस्क्रिनेबल ट्रेंड होता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड. इनहेरिटेंस ट्रेंड ये भी नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दिस ये तो होगा ही नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन इज द इवोल्यूशनरी ट्रेंड. ठीक है बच्चों, द न्यूरोग्लियल सेल्स, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. न्यूरोग्लियल सेल किसे कहा जाता है? जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में होते हैं. कितना ज़्यादा? 1.5 देन द न्यूरॉन्स, 1.5 वॉल्यूम मोर देन दैट ऑफ न्यूरॉन. और ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को रिपेयर करते हैं, सपोर्ट करता है. इवन जो ब्लड में जो केमिकल रिएक्शंस होता है ना, उसको ब्रेन का जो केमिकल रिएक्शन होता है उनसे इंटरफेरेंस से बचाता है, एज एक्ट्स एज अ बैरियर. सो इट इज नॉट एक्साइटेबल इन नेचर, ऑफकोर्स नॉट. वो कोई इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं करता है, सपोर्ट करता है ठीक है, लेकिन नॉन एक्साइटेबल सेल्स ऑफ द न्यूरल टिश्यू. येस, दिस इज करेक्ट. टू और थ्री टाइम्स नहीं, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है 1.5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू प्रोटेक्टिव एंड एक्साइटेबल सेल्स ऑफ द न्यूरल टिश्यू. सो दैट इज प्रोटेक्टिव ठीक है लेकिन एक्साइटेबल तो है नहीं. सो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट, इन कॉकरोच माउथ, इन कॉकरोच माउथ कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, ठीक है, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिला एंड लेबियम. तो लेब्रम एंड लेबियम एक्सेस. यस, लेब्रम इज अपर लिप, लेबियम इज लोअर लिप. सो लेट अस सर्च फॉर इट.
अपर एंड लोअर जॉ नहीं होगा, अप लोअर एंड अपर नहीं, अपर जॉ, अपर जॉ लोअर लिप्स ये नहीं होगा, अपर एंड लोअर लिप्स रिस्पेक्टिवली करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन। देखो बच्चों काफ़ी ईजी टाइप का क्वेश्चन सेट किया गया है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, कुछ डेफिनेटली थोड़ा बहुत लेंदी होगा ताकि तुम लोग प्रिपेयर हो पाओ फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर द एसर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसी वजह से दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी दिया गया है। तो स्टेटोसिस्ट आर, तो स्टेटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, राइट, एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन दिया गया है। इट्स नॉट अ लेटरल लोकोमोटरी अपेंडेजेस, नो सकर, नॉट सकर, इट्स अ बैलेंस ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडस, इट इज अ स्टिंगिंग कैप्सूल ऑफ क्रिटेरियंस, इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन। ऑल कॉर्डेट्स एट वन ऑफ द अदर स्टेज पॉजेस, ठीक है, हर कॉर्डेट के पास वर्टिब्रल कोलम नहीं होता है, ठीक है, कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रहता है जैसे कि इंसेफेलोकॉर्डेटा, कुछ कॉर्डेट्स में लार्वल स्टेज तक नोटोकॉर्ड रहता है और वो एडल्ट स्टेज में गायब भी हो जाता है, तो नोटोकॉर्ड ही नहीं रहा तो वर्टिब्रल कहाँ कॉलम किस स्टेज में कैसे फॉर्म करेगा। पेरिंजियल गिल स्लिट्स, दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, कॉर्डेट्स, और हर किसी कॉर्डेट्स में किसी ना किसी स्टेज पे पेरिंजियल गिल स्लिट्स होता है। टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम, ये तो इनकरेक्ट होगा। अ मूवेबल जॉ, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस आर ऑल एक्चुअली द मॉडिफाइड स्टेजेस। सबसे आगे क्या डेवलप होता है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पेरिंजियल गिल स्लिट्स, राइट, द सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन। The body of the animals can be divided into identical half in only one plane. In only one plane. So one plane में कौन सा होगा, one plane में होता है that is the bilateral symmetry. Bilateral symmetry से हमें जो organism को हमें दो identical half, right and left half में हम इसे बांट सकते हैं और इससे सिर्फ एक ही प्लेन गुजरेगा। अगर ऐसा प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन दे तो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल हाफ में कट नहीं कर सकते। सो बायलेटरल सिमेट्री इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 177, एब्सेंस ऑफ हेड, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड एंडोस्केलेटन ऑफ द डार्मल कैल्क्रियस प्लेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हेड नहीं होता है वो तो रेडियल सिमेट्री में हेड नहीं होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड एंडोस्केलेटन ऑफ डार्मल डार्मल कैल्केरियस प्लेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। नाउ फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेट अस सी, दिस इज फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, करेक्ट। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना, करेक्ट। Dairying is the management of the animals for milk and its product for human consumption. Correct statement. Hisardale is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing, correct, crossing Bikaneri, Ewes and Merino rams. Here it is, the our correct option, although it is incorrect, is the fourth one. The remaining major part of the activated sludge is pumped into the large tank and this tank, okay, activated jo sludge hai use kahan pe bheja jata hai, ek large tank mein bheja jata hai and that tank is what tank, that is the anaerobic sludge digester. This is from the chapter the microbes for human welfare, fourth option is our correct one. Increase in BOD of wastewater, jab BOD biological oxygen demand badh jayega tab kya hoga, oxygen content of the water kam ho jayega, BOD ka increase hona matlab it makes the water polluting, okay, so decreases the oxygen content of the water, so this is very important. Again, identify the gene and its protein that controls the corn borer for from the given option. Okay, corn border के लिए होता है Cry1AB, कहाँ पे है Cry1AB, yes, this one is the correct one, Cry1AB, और कहा गया है जीन, जीन होता है small letter Cry, protein जो वो coat करता है उसे कहा जाता है crystal, right,
जो कि एक प्रोटॉक्सिन होता है, उसे हम कैपिटल लेटर से सिग्निफाई करते हैं. सो इट विल बी द क्राई वन ए बी प्रोटीन. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन वन. क्वेश्चन नंबर 182, ह्यूमलिन इज अगेन फ्रॉम बायोटेक. ह्यूमलिन जो है वो क्या होता है, इंसुलिन होता है जो कि आर्टिफिशियली, मतलब इट्स अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो कि हेटरोलोगस होस्ट में बनाया गया है, दैट इज ई कोलाई बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल इंसुलिन तो है नहीं, ह्यूमन इंसुलिन है सिंथेसाइज्ड एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई विच इज अ हेटरोलोगस होस्ट, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन पैनक्रियास नो होय, केमिकली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इट इज नॉट अ केमिकल सिंथेसिस, वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिपेयर किया गया है, इट्स अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, सो इट इज जेनेटिकली प्रिपेयर्ड. सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट मस्ट बी डन बिफोर प्लेसिंग डीएनए इनटू इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर. इट मस्ट बी ग्राउंड अप विथ मॉडर्न एंड पैसिव इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से पहले तो उसे क्रश तो एटलीस्ट नहीं किया जाता है. इट मस्ट बी कट बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, करेक्ट, येस. और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो डाइजेस्टिंग एक्टिविटी है वो चेक हो जाएगा वंस वी अप्लाई दिस, वंस वी पुट द डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द जेल ऑफ द एगारोस जेल ऑफ सीवीड. इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ आरएनएस, नो. आरएनएस तो पहले प्यूरिफिकेशन में किया जाएगा, none of this. So second one is the correct one. Which of the following statement is incorrect? Okay, let us see. tDNA is present in TI plasmid. Okay, tDNA means tumor inducing DNA. Retrovirus is converts common cell to cancerous cell, correct. PBR322 is a naturally made plasmid, sorry. It is incorrect. Because PBR322 is a plasmid that was made by Bolivar and Rodriguez, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे artificially बनाए थे plasmid with selectable marker, उनमें से successful कौन सा number हुआ, that is 322. So 322 is the designing name. ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि वो ट्रांसफर कर सकता है अपना टीआई प्लाज्मिड इन अ हेल्दी प्लांट, मेकिंग द प्लांट ट्यूमरस. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज PBR322-1. मेटास्टेसिस जो है वो कैंसर सेल का एक प्रॉपर्टी होता है. यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूप्लाज्म होता है दैट इज द प्राइमरी मास, वहाँ से सेल टूट जाता है, वो अपना कैरियर सिलेक्ट करती है दैट इज द ब्लड, और ब्लड के मदद से बॉडी के दूसरे दूसरे जगह में जाके पहुंच जाती है, और वहाँ पे बैठ के सेकेंडरी मास बनाता है, सेकेंडरी न्यूप्लाज्म बनाता है, नॉट द प्राइमरी. प्राइमरी ये वाला है. तो इस चीज़ को, दैट इज द मूवमेंट माइग्रेशन ऑफ द कैंसरस सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इज नोन एज मेटास्टेसिस. तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, दिस इज मेटामॉर्फोसिस. ओके, दिस इज नॉट मेटाजेनेसिस. जनरेशन ऑफ द न्यू ट्यूमर इन डिफरेंट साइट ऑफ द बॉडी, सो दिस इज अवर करेक्ट वन. एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी मसल, नो. इसे सरकोमा कहा जाता है, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 186, इन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर द सेल्स. सो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर किसे कहा जाता है, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम का सेल्स हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, अटैक करने लगे, उसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज. नियरली 80 ऑटो इम्यून डिजीज स्टिल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. और यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट जा रहा है. प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज, नो. प्रोड्यूस लेस एंटीबॉडीज, इनकरेक्ट. स्टार्ट अटैकिंग अदर बॉडी सेल्स, मतलब इम्यून सेल्स के अलावा भी दूसरे सेल्स को, बॉडी सेल्स को अटैक करने लगता है. हैव एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बच्चों ये तो एलर्जी हो गए, एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स. So correct option is our third one. This is our third option. The most vital process for the existence of life on earth is life on earth. Communication in animals, nahi, incorrect. Photosynthesis, agar photosynthesis na hota to fir oxygen release bhi nahi hota. Aur agar oxygen release nahi hota to hum exist hi nahi kar pate.
दूसरा रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, यस दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं बनता है तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन तो दूर की बात है. तो एग्जिस्ट के लिए एटलीस्ट ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है. सो सेकंड वन इज अवर करेक्ट ऑप्शन. एंड लास्ट वन इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट. वो तो बात की बात है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो वो डेफिनेटली एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ले, उसके बाद ये सब होगा. डार्विन वॉज इंस्पायर्ड बाय हुगो डी ब्रायस. मेल्थस, यस इट इज थॉमस रॉबर्ट मेल्थस, जिन्होंने पॉपुलेशन के बारे में एक ऐसे दिया था. लेमार्क एंड विजमैन, लेमार्क ने जो प्रपोज किया था उसे विजमैन ने रिजेक्ट किया था. हुगो डी ब्रायस हैज गिवन द म्यूटेशन थ्योरी, जबकि डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू ऑथर, वन इज एल्फ्रेड वॉलेस, अनदर वन इज थॉमस रॉबर्ट मेल्थस. ओके, सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 188. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189. अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5, इट शुड बी बिलियन ईयर्स एगो. यहाँ पे नहीं दिया है, मिलियन ईयर्स एगो है, सो इट इज इनकरेक्ट. 4,500 मिलियन ईयर्स एगो बैक, यस दिस इज करेक्ट वन. 45 बिलियन ईयर्स एगो, 4,500 बिलियन ईयर्स एगो, दिस विल बी इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज 4,500 मिलियन ईयर्स एगो, या फिर अगर तुम लोग बिलियन में कन्वर्ट करना चाहते हो, इट शुड बी रिटन एज 4.5 बाय VYA. Then the next one is question number 190. That is a 25 years old female goes to a doctor. It's an applicable type of question. Okay, she asks doctor that after 4 days there is a due date of her menses and she want to postpone bleeding for some days as she will be engaged in some official work during those days. Which hormone will the doctor advise her to take? हम लोग जानते हैं मेंस्ट्रुएशन कौन से हार्मोन की फॉल होने की वजह से होता है बच्चों, दैट इज प्रोजेस्टेरोन. अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरोन को हाई रखा जाए तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, राइट. सो वो डॉक्टर उसे क्या प्रेस्क्राइब करेगी, दैट इज ओनली प्रोजेस्टेरोन, दैट इज सफिशियंट. ओके, बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन, मतलब ब्लड में अगर प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करके रखा जाए, हाई रखा जाए, तब ब्लीडिंग नहीं होता है. तो दिस इज वे द मेंस्ट्रुएशन कैन बी पोस्टपोन. So correct option is the third one. Human morula is, human morula, direct question, 8 to 16 cell stage. So third option is our correct one. Which of the set of disease are completely curable if detected early? So bachcho, incurable disease kaun sa hai? Hepatitis B. Then is the HIV virus. Another one is the genital heart disease. These three are the set of disease that are incurable. तो देखो यहाँ पे हर एक में हेपाटाइटिस बी है, वो इनक्यूरेबल हो गया, तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है. जेनाइटल हार्पिस हो गया, दैट इज इनक्यूरेबल. एच आई वी इन्फेक्शन हो गया, दैट इज ऑल्सो इनक्यूरेबल. तो डेफिनेटली क्यूरेबल कौन सा होगा, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पे एक भी ऐसा डिजीज नहीं मैंशन किया गया है. ठीक है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द कंट्रासेप्शन एंड आंसर द डायरेक्शन देयर आफ्टर. Consider the statement given below regarding contraception and answer the direction thereafter. Okay. Medical termination of pregnancy during the first trimester is generally safe. Yes. 12 mahino week tak safe hota hai in the first trimester. Generally, chances of conception are nil till the mother breastfeed the infant up to 2 years. Bachcho, 2 years nahi, 6 months tak ye conception chalta hai. ठीक है, कंट्रासेप्शन चलता है क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई होता है और वो नेगेटिव फीडबैक देता है टू द एलिज, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है. लेकिन ये इंटेंस लैक्टेशनल फेज में होता है जो 6 महीने तक चलता है, 2 साल तक नहीं चलेगा. इंट्रायूटराइन डिवाइस लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, यस नाउएडेज इन अर्बन जो फैमिलीज है, कंट्रासेप्टिव के नाम पे कॉपर टी बहुत यूज़ किया जाता है. कंट्रासेप्शन पिल्स मस्ट बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन. जो कंट्रासेप्टिव पिल होता है, इमरजेंसी पिल है, तो वो क्वाइटस के बाद एक ही बार लेना पड़ता है विद इन 72 आवर्स. और अगर कंट्रासेप्टिव पिल्स लेना है तो एक साइकिल फॉलो किया जाता है.
फ्रॉम 7 डे और फ्रॉम 5th डे टिल 21 डेज। तो ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते तक करके, मतलब क्वाइटस होने के बाद 2 हफ्ते तक पिल लेके बस कंट्रासेप्शन हो गया, सो दैट इज़ नॉट सेफ। सो द फर्स्ट एंड द सेकेंड ए एंड सी आर करेक्ट, वेर इज दिस टू आर इनकरेक्ट। लेट अस सी क्या दिया हुआ है, विच टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ए एंड सी, ए एंड द सी वन आर द करेक्ट वन। इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इन टू, इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वो क्या बनाता है, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अपना सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करके स्पर्मेटिड बनाता है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 195। सिग्नल्स फ्रॉम अ फ्यूली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड्स टू द पार्चुरेशन व्हिच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ, रिलीज पार्चुरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटर्नल पिट्यूटरी। माँ के पिट्यूटरी से उसे रिलीज होना है, ना कि बच्चे के फीटल पिट्यूटरी से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 196। इफ एक्स इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्रेट, इन द बॉडी, एंड वाई इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ एक्स, देन एक्स एंड वाई आर, एक्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हम लोगों का ध्यान क्या रहेगा, इंसुलिन की तरफ, देख लेते हैं। इंसुलिन एंड सोमेटोट्रोफिन रेस्पेक्टिवली, बच्चों सोमेटोट्रोफिन जो है उसका डायबिटिक इफेक्ट होता है लेकिन वो इंसुलिन को कंट्रोल नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हम लोगों के लिए इनकरेक्ट, जबकि हम लोगों का दिमाग वही काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो इंसुलिन। एल्डोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन रेस्पेक्टिवली, ये भी नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन तो सोडियम के साथ डील करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि एक कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ डील करता है, एंड उसे कौन कंट्रोल करता है, एज इट इज़ अ हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसे कंट्रोल करेगा अ पिट्यूटरी हार्मोन दैट इज नोन एज द एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज करेक्ट, हाउएवर लेट अस सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड GnRH, GnRH तो होगा ही नहीं, उसे कंट्रोल नहीं करेगा, तो ये वाला बच्चों हो जाएगा, ना कि इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखने से इंसुलिन टिक मत कर देना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसे। सो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पिट्यूटरी, इनकरेक्ट अबाउट पिट्यूटरी इज, इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेलाटार्सिका, करेक्ट, अटैच टू द हाइपोथैलामस बाई स्टॉक, यस, इनफंडिबुलम, divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis, that is also correct, secrete releasing hormone and inhibitory hormone, but jo RH and IH is a hypothalamic hormone, it is a hypothalamic hormone, it is not a pituitary hormone, so this is our incorrect option. The sequence of the layers present in adrenal cortex from inner to outer is, it is inner side में zona reticularis रहता है, correct, zona fasciculata middle layer है, zona glomerulosa is the outer layer, तो पहला option ही हम लोगों का correct हो जाता है, बाकी का zona fasciculata inner में दिया है incorrect है, glomerulosa जो कि बाहर की तरफ रहता है वो incorrect हो गया, ये भी incorrect हो गया, so the correct option is our the first one. The association areas are not responsible for. बच्चों association area brain का हिस्सा होता है, क्या होता है ये association area, association area होता है कि वो intersensory communication करेगा, इससे हम लोगों का memory generate होगा, इससे हम लोगों का क्या होगा, हम लोग communicate कर पाएंगे, तो क्या होगा, intersensory association correct है, communication कर पाता है, memory कर पाता है, लेकिन ये वाला नहीं कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल नहीं करता है, ऐसे करके हम लोग थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड द लास्ट ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में क्या आता है, विटामिन ए कंबाइंस विद अ प्रोटीन इन द रेटिना टू प्रोड्यूस,
बच्चों विटामिन ए जो है वो एक प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, दैट इज ऑप्सिन, और रेटिना में क्या बनाता है, दे फॉर्म द विजुअल प्रोटीन्स, जैसे कि कहा जाता है रोडोप्सिन फॉर द रॉड्स, जबकि अगर कोन्स के लिए बनाता है देन देयर आर मैनी, दैट इज क्लोरोप्सिन, देन देयर विल बी साइनोप्सिन, देन देयर विल बी एरिथ्रोप्सिन. ओके, सो विद दिस द थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट वन, एंड विद दिस वी विल एंड अप द सेशन. थैंक यू.